वो बुझा तो नहीं रहा, पता नहीं है भी है। खुद अगर बादशाह साहब के फ्रंट पे बैठे हैं सर मंसूर जी, जी बड़े इंजॉय करते हुए, बहुत ही इंजॉय करने वाले मूड पे शाह साहब। उछाली झील के दरमियान आ रहे हैं और उछाली झील में है पानी, दूसरा किनारा इसका नजर नहीं आ रहा। जहां तक नजर जाएगी आपको पानी ही नजर आएगा। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है उछाली झील का। जो भी देख रहे हैं उनको ये तजवीज है, मोटिवेशन है कि जरूर यहाँ पे आए। ये 88 किलोमीटर है करगा से, लेकिन इट इज वर्थ हैविंग एक्सपीरियंस। बहुत जबरदस्त है, फिर यहाँ के बोटिंग जरूर करें और आखिरी किनारे तक जाए, फिर फ्लेमिंगो को देखें। और यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट और अलग सा माहौल है, आपकी कैफियत स्टेट ऑफ माइंड ही चेंज हो जाती है। और बड़ा इजी है यहाँ पे आना, थोड़ा सा टाइम निकालें, हिम्मत करें, जरूर यहाँ पे पहुँचे। जनाब हमारे मंसूर साहब सर मंसूर आ रहे थे, आप ये देखें कितना प्यारा नजारा है यहाँ पे। ये पीछे आप देखें कि ये सेफ्टी जैकेट पहनी हुई है सैयद अफताब हैदर शाह साहब ने, ठीक है। और ये जमीर उल हसन साहब शाह साहब के बेटे हैं, बहुत ही क्यूट और प्यारे से बच्चे हैं जी। और पहनी है। और ये सर मंसूर साहब बैठे हैं जी, आगे आ गए अपना सैयद सदाबाद शाह साहब, ये सैयद अफताब शाह साहब के भी बड़े बेटे हैं और बहुत ही बूढ़े हैं जी। आप देख रहे होंगे कि कितना मूड में है जी, बड़े मुश्किल हालात में बैठे हैं। ये सबर साखी और शाह साहब की दोस्ती एक साथी दोस्ती है जो मुझे आज पता लगा। आज इनकी अमेजिंग कंपनी थी जिसको मैंने इंजॉय किया और ड्राइव सबर साहब ने किया, दूसरा ट्रिप है सबर साहब के साथ, बहुत मजा आ रहा है लोगों के साथ। बाकी दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो हमें ज्वाइन करें और नेक्स्ट टाइम निकले। आ रहे हैं।